अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पाकीज़ा फुप्पो के एपिसोड 65 का प्रोमो नशर हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि शमसुद्दीन पाकीज़ा के घर जाता है, उसे कुछ सामान और पैसे देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि शमसुद्दीन रुकैया से ये कहते हुए सुनाई देता है कि मेरी मोहब्बत का, मेरी अपनायत का मेरे अपनों ने बड़ा गलत इस्तेमाल किया है। इसके बाद वो कहता है कि मैं आपा को कभी माफ़ नहीं करूँगा, जिस पर रुकैया उससे कहती है कि जो रिश्ते बेटियों से जुड़ जाएं, उन्हें तो सिर्फ माफ़ किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि शबनम अहमद को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने आग में झोंक दिया है, तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने बच्चे को खुद मारा है। जिस पर अहमद उससे कहता है कि तुमने नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मारा है ना। जिस पर शबनम को गुस्सा आ जाता है और वो अहमद से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए। जिसके जवाब में अहमद कहता है कि जाओ जाकर पूछो अपनी माँ से उसने क्यों जूस में जहर मिलाया था, उसे अपनी बेटी की औलाद को मारते हुए शर्म नहीं आई। उसकी ये बात सुनकर शबनम बहुत हैरान हो जाती है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि शबनम अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अब मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा किसने और क्यों मारा। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है अब पाकीज़ा शबनम से कौन सा झूठ बोलने वाली है, या फिर वो ये इल्ज़ाम सबब पर लगा देगी। हमसे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, और मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।